चलिए अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, जिसमें एडवाइजरी बोर्ड की बात की गई है। तो जैसा कि हमने देखा था, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही अपने एडवाइजरी बोर्ड बनाएगी। तो सेक्शन 42 बात करता है सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एंड स्टेट एडवाइजरी बोर्ड्स। इसमें सबसे पहले सब सेक्शन 1 ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शेल कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड बनाएगा, जिसका कि मकसद होगा कि ये बोर्ड एडवाइज करे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो इसको हम कैब कह सकते हैं, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड। अब ये सबसेक्शन 1 में इन्होंने कहा है कि इसमें मेंबर्स कौन कौन होंगे। ये जो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड है, इसमें ये तमाम मेंबर्स होंगे। पहली कैटेगरी में ये कहते हैं कि मेंबर्स हु विल बी रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयर्स। दूसरी कैटेगरी के मेंबर्स होंगे जो रिप्रेजेंटिंग एम्प्लॉयज। और ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं एम्प्लॉयर को और एम्प्लॉय को, ये इक्वल नंबर में होना चाहिए, नहीं तो झगड़े फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक। इसके अलावा ये कहते हैं कि कुछ इंडिपेंडेंट पर्सन भी होने चाहिए इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में, जो 1/3 से ज्यादा नहीं होने चाहिए टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स। यानी ये इंडिपेंडेंट होंगे, लेकिन मैक्सिमम 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे। और इन्हीं इंडिपेंडेंट मेंबर्स में से किसी एक को चेयरपर्सन बनाया जाएगा इस सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड का। इसके बाद फोर्थ कैटेगरी में ये कहते हैं कि देयर विल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ये मैक्सिमम 5 होंगे, यानी 5 होंगे, सीधी सीधी बात है, स्टेट गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा सबसेक्शन 2 में एक बात और कही गई है। ये कहते हैं कि विमेन का बड़ा ध्यान रखा गया है यहाँ पे। और ये कहते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड में, उसमें 1/3 विल बी द विमेन मेंबर्स, यानी 1/3 उसमें विमेन होना चाहिए। तो यहां पर कम से कम या मैक्सिमम नहीं बोला है, एग्जैक्टली 1/3 शुड बी द विमेन। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड क्या करेगा? एडवाइस करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगा। लेकिन किन मैटर्स पे करेगा, यहां पर ये बता रखा है सबसेक्शन 3 में। सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड एडवाइस देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द फिक्सेशन और रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स। तो ये पहला काम वो करेगा। दूसरा, ये एडवाइस करेगा फॉर प्रोवाइडिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन, यानी औरतों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मुहैया कराया जाए, इसके ऊपर भी वो एडवाइस देगा। एंड द एक्सटेंट टू विच विमेन मे बी एम्प्लॉयड इन सच एस्टेब्लिशमेंट और एम्प्लॉयमेंट एज सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ एंड एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू दिस कोड। इसके अलावा कोई दूसरा मैटर भी इसे दिया जा सकता है जिसके ऊपर ये एडवाइस करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। फिर ये कहते हैं, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ये एडवाइस करेगा बोर्ड, तो उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में इश्यू डायरेक्शंस टू स्टेट गवर्नमेंट एज इट डीम्स फिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मैटर रिलेटिंग टू इश्यूज रेफर्ड टू द बोर्ड। तो जो भी डायरेक्शंस हैं वो इश्यू की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ दिस एडवाइस। और ये जो डायरेक्शन है, सेंट्रल गवर्नमेंट इश्यू करेगी स्टेट गवर्नमेंट को। इसके बाद सबसेक्शन 4 बात करता है स्टेट गवर्नमेंट की। ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट शेल कॉन्स्टिट्यूट स्टेट एडवाइजरी बोर्ड फॉर एडवाइजिंग द स्टेट गवर्नमेंट इन दीज मैटर। अब ये कौन से मैटर हैं? ये वही मैटर हैं जो हमने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के इसमें देखे, यानी फिक्सेशन रिवीजन ऑफ मिनिमम वेजेस, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड एक्सटेंट टू विच वुमेन मे बी एम्प्लॉयड इन सच एस्टेब्लिशमेंट एंड एनी अदर रिलेटिंग मैटर रिलेटिंग टू दिस कोड। अब यहां पर सीधी सी बात है, क्योंकि ये स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है और इसका गठन कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी, अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट अपने लिए स्टेट एडवाइजरी बोर्ड बनाएगी। और ये स्टेट एडवाइजरी बोर्ड
एडवाइस करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट को। अब इसके बाद ये कहते हैं कि जो स्टेट एडवाइजरी बोर्ड है, इट मे कॉन्स्टिट्यूट कमिटीज और सब कमिटीज। कमिटीज की मदद से वो अपना काम देखेगा और कमिटी या सब कमिटीज स्टेट एडवाइजरी बोर्ड अपने लिए बना सकता है। अब जहां तक स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का सवाल है और उनकी जो कमिटीज या सब कमिटीज का सवाल है, इसमें वही प्रोविजन है, इनका जो गठन है जो हमने पहले देखा था उसी तरह का है लगभग। इसमें जो मेंबर्स होंगे वो होंगे एम्प्लॉयर्स को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी तरह एम्प्लॉयज को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इतने भी मेंबर, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो इक्वल होना चाहिए। इसके अलावा इंडिपेंडेंट पर्सन होंगे नॉट एक्सीडिंग 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बोर्ड और कमिटी और सब कमिटी एज द केस मे बी। इसके बाद सबसेक्शन 7 ये कहता है कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर शुड बी विमेन एंड वन अमंग द मेंबर स्पेसिफाइड इन क्लॉज सी, यानी जो इंडिपेंडेंट पर्सन है उसमें से किसी एक को चेयरपर्सन बनाया जाएगा बोर्ड का, और इसी तरह से एक पर्सन को चेयरपर्सन बनाया जाएगा कमिटी और सब कमिटी का, जिसे अपॉइंट किया जाएगा स्टेट एडवाइजरी बोर्ड के द्वारा। यानी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का जो चेयरमैन है या चेयरपर्सन है, इसे कौन अपॉइंट करेगा? इसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, और इसकी जो कमिटीज या सब कमिटीज बनेगी उनका जो चेयरपर्सन है उनको कौन अपॉइंट करेगा? उनको स्टेट एडवाइजरी बोर्ड अपॉइंट करेगी। इसके बाद सबसेक्शन 8 ये कहता है कि जब ये स्टेट एडवाइजरी बोर्ड कुछ भी एडवाइस करेगा, स्टेट एडवाइजरी बोर्ड किसे एडवाइस करेगा? स्टेट गवर्नमेंट को। जब ये एडवाइस करेगा इन मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ विमेन, राइट, या अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर विमेन, तो ऐसे केस में ये बोर्ड को कंसीडर करना पड़ेगा द नंबर ऑफ विमेन एम्प्लॉयड, जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है एस्टेब्लिशमेंट में, या एम्प्लॉयमेंट किस तरह का है, नेचर ऑफ वर्क कैसा है, आवर ऑफ वर्क कैसे हैं, सुटेबिलिटी ऑफ विमेन फॉर एम्प्लॉयमेंट है या नहीं, एज द केस में बी, द नीड फॉर प्रोवाइडिंग इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर विमेन इंक्लूडिंग पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट एंड सच अदर रिलेवेंट फैक्टर एज द बोर्ड में थिंक फिट। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए स्टेट एडवाइजरी बोर्ड एडवाइस करेगा स्टेट गवर्नमेंट को। इसके बाद ये कहते हैं कि वंस एडवाइस इज रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम स्टेट एडवाइजरी बोर्ड एंड आफ्टर इनवाइटिंग एंड कंसिडरिंग द रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द एस्टेब्लिशमेंट और एम्प्लॉयज और एनी अदर पर्सन विच द स्टेट गवर्नमेंट मे थिंक्स फिट, यानी यहां पर कहने का मतलब है कि एडवाइस स्टेट एडवाइजरी बोर्ड करेगा, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट दूसरे लोगों को भी सुनेगी। इसका मतलब जो एस्टेब्लिशमेंट है जिनके ऊपर भी ये डायरेक्शन इश्यू करने जा रही है, एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयज या अदर पर्सन, उनका भी रिप्रेजेंटेशन वो देखेगी लेगी, और उसके बाद जो भी उचित होगा ऐसी डायरेक्शन स्टेट गवर्नमेंट इश्यू करेगी। इसके बाद सबसेक्शन 10 ये कहता है कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ये अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट करेगी, इंक्लूडिंग फॉर्मेशन ऑफ कमिटी सब कमिटीज जो भी उनको कॉन्स्टिट्यूट करनी होगी, और ये जो अपना प्रोसीजर है खुद रेगुलेट करेगी एज प्रिस्क्राइब्ड इन द रूल्स। तो उसके लिए हम रूल्स अलग से देखेंगे। इसके बाद सबसेक्शन 11 ये कहता है कि जो टर्म ऑफ ऑफिस होगा सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड में, इंक्लूडिंग द कमिटीज और सब कमिटीज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय स्टेट एडवाइजरी बोर्ड शैल बी सच एज मे बी प्रिस्क्राइब। तो इसके लिए भी हम अलग से रूल देखेंगे जो एडवाइजरी बोर्ड के लिए इशू हुए हैं।